सर्कुलर मोशन लेक्चर थ्री। तो आज के लेक्चर का अब हम लोग सर्कुलर मोशन में नेक्स्ट पार्ट टच करेंगे, दैट इज डायनेमिक्स, है ना। अभी तक हम लोगों ने काइनेमेटिक्स टाइप का लेक्चर लिया था, जो सर्कुलर मोशन के एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, यू नो, डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ये सारी चीज़ें डिस्कस कर रहे थे। अब जो है फोर्सेस से रिलेटेड डिस्कशन आएगा, तो अब टॉपिक और भी इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो इसमें हम लोग डायनेमिक्स की बात करेंगे और बहुत इंटरेस्टिंग टर्म्स दो आएंगे, एक आएगा सेंट्रीपिटल फोर्स और दूसरा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और आगे के लेक्चर्स पूरे इस लेक्चर पे ही बेस्ड हैं, तो काइंडली इसे बहुत ध्यान से देखना आप, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं लेक्चर थ्री। सबसे पहला टर्म है सेंट्रीपिटल फोर्स। अब डिफरेंट फोर्सेज जो इन्वॉल्व होते हैं सर्कुलर मोशन में, उसकी स्टडी करेंगे इस लेक्चर में। तो सबसे पहले एक टर्म आता है सेंट्रीपिटल फोर्स। आप ऑलरेडी इस टर्म को सुना होगा अगर आपने स्कूल में पढ़ा होगा। तो क्या होता है, ध्यान से सुनिए चीजों को। राइट साइड वाली फिगर देखिए, ग्रीन कलर की बॉल जो आपको दिख रही है, ये एक सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रही है। तो आप ऑलरेडी समझ सकते हैं काइनेमेटिक्स से कि हर समय इसका वेलोसिटी वेक्टर चेंज हो रहा होगा, ठीक है। हर समय इसका वेलोसिटी वेक्टर चेंज हो रहा होगा। इसके लिए रिक्वायर्ड है कि एक वेलोसिटी वेक्टर के डायरेक्शन से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कोई फोर्स लग रही हो, ठीक है, तभी एक सर्कुलर ट्रैक पे चल पाएगा। तो ये जो परपेंडिकुलर फोर्स लग रही होती है, इसी को हम लोग बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, है ना। मतलब इस सर्कुलर मोशन को परफॉर्म करने के लिए एक सेंट्रीपिटल फोर्स जरूरी है, है ना, जो कि वेलोसिटी वेक्टर के परपेंडिकुलर, या आप कह सकते हैं रेडियली इनवर्ड लग रही होगी, ठीक है। तो फोर्स दैट इज नेसेसरी टू कीप एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ कर्व्ड पाथ दैट इज डायरेक्टेड इनवर्ड टुवर्ड्स द सेंटर, है ना, इसको बोलते हैं, इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। इसी फोर्स को हम लोग बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। दूसरे टर्म्स में इसको ऐसे भी कहा जा सकता है कि जब कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा होता है, तो पिछले वाले लेक्चर से याद करिए, उसका एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है, एक रेडियल एक्सेलरेशन। तो जो फोर्स रेडियल एक्सेलरेशन प्रोवाइड करे या सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन प्रोवाइड करे, उसको बोलते हैं हम लोग सेंट्रीपिटल फोर्स। तो फोर्स रिक्वायर्ड टू जनरेट सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन दैट इज वी स्क्वायर बाई आर, इसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, और इसी को एम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो दैट बिकम सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स एम वी स्क्वायर बाई आर इज इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर आर, ठीक है। अब वी को आर ओमेगा से रिप्लेस करेंगे तो बड़े आसानी से ये फॉर्मूला बन जाएगा। कैसे लगता है ये रेडियली इनवर्ड लगता है ऑब्जेक्ट पे सेंटर की तरफ, ठीक है। मतलब कि ये अगर सेंट्रीपिटल फोर्स होगा तभी वो ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा होगा। अब सेंट्रीपिटल फोर्स किसी भी फॉर्म में हो सकता है, कहीं पे ये टेंशन के फॉर्म में हो सकता है, कहीं ये नॉर्मल रिएक्शन के फॉर्म में हो सकता है, कहीं ये ग्रेविटेशनल फोर्स हो सकता है, कहीं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो सकता है। तो कोई भी फोर्स जो रेडियली इनवर्ड एक्ट हो रही होगी, उसी फोर्स को हम लोग बोल देंगे सेंट्रीपिटल फोर्स, है ना। तो ये चीज लिख लीजिए, एनी फोर्स दैट एक्ट्स रेडियली इनवर्ड एंड इज responsible for circular motion is centripetal force, ठीक है। जो भी force आपको वो velocity vector के perpendicular act होके, उसका velocity vector हरदम change करके उसको एक circular track पे घुमा रही होगी object को, उस force को हम लोग centripetal force बोल देंगे, ठीक है। तो वही मैंने बोला है कि डिफरेंट फोर्सेस एक्ट एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। जहां पे जैसा केस होगा, कई जगह आप टेंशन को देखेंगे, कई जगह नॉर्मल को देखेंगे, कई जगह ग्रेविटेशनल, इलेक्ट्रोस्टैटिक, कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो ये थी एक समरी सेंट्रीपिटल फोर्स की। अब बहुत जो इंपॉर्टेंट चीज है इसके लिए कि ये तभी वैलिड होता है जब आप ग्राउंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है, ठीक है।
ऑब्जर्वर ग्राउंड पे खड़ा होके देख रहा है ये ऑब्जेक्ट, ये बॉल जो है एक सर्कुलर ट्रैक पे चल रही है, ठीक है। ऑब्जर्वर ग्राउंड पे खड़ा होके देख रहा है, ठीक है। अगर यही ऑब्जर्वर इस बॉल के फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे बैठ जाएगा तो इसको बॉल ये रेस्ट पे दिखाई देगी, ठीक है, तब कोई सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं आएगा। सेंट्रीपिटल फोर्स तभी आएगा जब आप इसको ग्राउंड के फ्रेम से देखेंगे, जब आप ऑब्जेक्ट को सर्कुलर मोशन परफॉर्म करते हुए देखेंगे। जब आपको ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन परफॉर्म करते हुए दिखेगा ही नहीं तो कोई सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं होगा, ठीक है। तो इट इज फ्रेम डिपेंडेंट, ठीक है। तो ये आइडियली अगर कुछ नहीं दिया है तो आप एज्यूम करते हैं कि ग्राउंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस से सारी चीजें एनालाइज की जा रही हैं। तो जैसा कि जब हम लोग बोल रहे हैं कि ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है तो गिवन है कि ऑब्जर्वर आपका ग्राउंड फ्रेम पे खड़ा है, ठीक है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स का कॉन्सेप्ट आ गया, ठीक। अब इसी के कई सारे फॉर्म्स देख लेते हैं। देखो ये एक ऑब्जेक्ट है और इस कर्व पाथ पे इस तरह स्लाइड कर रहा है, एक सर्कुलर ट्रैक टाइप का है, सर्कुलर सर्कल का एक पार्ट हो गया समझ लो इसे। तो इसमें अगर किसी मोमेंट पे आप इसकी एफबीडी बनाएंगे तो नॉर्मल इस पे ऊपर लग रहा होगा और एमजी नीचे लग रहा होगा। तो इसमें नॉर्मल इसको सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन प्रोवाइड करेगा, इनफैक्ट नॉर्मल इसका सेंट्रीपिटल फोर्स हो जाएगा, ठीक है। एग्जैक्टली नॉर्मल नहीं होगा, अगर आप इसकी इक्वेशन लिखेंगे तो आएगा एन माइनस एम जी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर। दिस इज योर सेंट्रीपिटल फोर्स एन माइनस एम जी। तो आप एग्जैक्ट लिखना चाहते हैं तो लिखेंगे एन माइनस एम जी इज द सेंट्रीपिटल फोर्स। पर कहने का मतलब यह है कि सेंटर की तरफ कौन सी फोर्स इसे सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन दे रही है, वो है नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है, ठीक। तो इन दिस केस नॉर्मल विल प्रोवाइड द सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, तो एन माइनस एम जी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर, ठीक है। कई बार टेंशन ये सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन प्रोवाइड कर सकता है, जैसा कि एक पेंडुलम का केस देखिए, यही पेंडुलम होता है, राइट, एक स्ट्रिंग से अटैच कर देते हैं एक बॉल को, तो ये बॉल को जब इस पॉइंट से रिलीज करेंगे तो ये एक सर्कुलर ट्रैक पे ऐसे घूमेगी इस तरह से, ठीक है। तो इसका टेंशन ही इस पॉइंट के अबाउट ये सेंटर हो जाएगा इसके मोशन का, तो इस केस में टेंशन प्रोवाइड करेगा इसे सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, ठीक है। सो इन दिस केस टेंशन विल प्रोवाइड द सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। अब मैंने ये लिखा है टी इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर, ये करेक्ट नहीं है, ये आपको समझाने के लिए लिखा है कि टेंशन इस डायरेक्शन में लग रहा होगा। एग्जैक्ट एफ बी डी बनाएंगे तो आप एक एम जी भी लग रहा होगा, तो अगर ये थीटा है तो ये हो जाएगा एम जी कॉस ऑफ थीटा। तो t माइनस एम जी कॉस थीटा आपका नेट रेडियली इनवर्ड लग रहा होगा और दैट शुड बी इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर, मतलब कि सेंट्रीपिटल फोर्स। आपको क्या करना है, जितनी फोर्सेस लग रही हैं उसको नेट करके लिख देना है रेडियली इनवर्ड, जितना वो आएगा वही सेंट्रीपिटल फोर्स हो जाएगा, उसी को एम वी स्क्वायर बाई आर के बराबर लिख दीजिए, ठीक है। तो t माइनस एम जी कॉस थीटा अगर आप लिखेंगे तो दैट शुड बी द नेट फोर्स रेडियली इनवर्ड और उसी को एम वी स्क्वायर बाई आर के बराबर लिख देना है, ठीक है। फिर से सुनिए, टेंशन आपका रेडियली इनवर्ड है, एम जी कॉस थीटा आपका रेडियली आउटवर्ड है, आपको नेट रेडियली इनवर्ड फोर्स लिखना है, वो कितना हो जाएगा टी माइनस एम जी कॉस थीटा। तो जो नेट रेडियली इनवर्ड फोर्स होगा एंड दैट शुड बी इक्वल टू योर सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। तो टी माइनस एम जी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर, ठीक है। स्प्रिंग फोर्स भी एक्ट कर सकता है सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह, ये एक हॉरिजॉन्टल प्लेन का स्प्रिंग रखा है और ये घूम रहा है ऐसे, ठीक है, सर्कुलर मोशन में। तो इसमें क्या होगा, सेंटर की तरफ इस ऑब्जेक्ट पे एक ही फोर्स लग रहा होगा, दैट इज योर स्प्रिंग फोर्स, ठीक है। तो इस केस में के एक्स हो जाएगा एम ओमेगा स्क्वायर आर, अगर ये ओमेगा से घूम रहा है, ठीक है। एक्स क्या होगा, एक्सटेंशन उस मोमेंट पे, x is extension। तो कोई भी फोर्स जो रेडियली इनवर्ड लग रहा हो, जिसमें काबिलियत है सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन प्रोवाइड करने की, दैट कैन एक्ट एज सेंट्रीपिटल फोर्स,
ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इसका तो आप लोग सब लोग भली भांति परिचित हो, इलेक्ट्रॉन एक चक्कर काटता है न्यूक्लियस का, प्रोटॉन उसमें है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अट्रैक्टिंग फोर्स होती है, और वही फोर्स की वजह से इलेक्ट्रॉन आपका न्यूक्लियस के चारों ओर घूमता है, ठीक है। तो यहाँ पर Fe जो हो जाएगा दैट इज के क्यू एन क्यू टू बाई आर स्क्वायर, दैट शुड बी योर एम बी स्क्वायर बाई आर, दी सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। सिमिलरली ग्रेविटेशनल फोर्स, मून चक्कर लगाता है अर्थ का, तो मून और अर्थ के बीच में जो ग्रेविटेशनल पुल होगा दैट विल बी योर सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। फ्रिक्शन भी एक्ट होता है, इसका हम लोग डिटेल आगे के लेक्चर में देखेंगे कि जब कोई गाड़ी टर्न हो रही होती है किसी कर्व पाथ पे, तो फ्रिक्शन आपका अंदर की तरफ लग के आपको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है। फ्रिक्शन नहीं होगा तो गाड़ी टर्न नहीं हो पाएगी, वो स्लिप कर जाएगी बाहर की तरफ, ठीक है। इफ देयर इज नो फ्रिक्शन, व्हीकल विल स्लिप आउटवर्ड्स, ठीक है। आउटवर्ड्स मतलब इधर की तरफ, ठीक है। तो इसमें फ्रिक्शन अंदर लगता है, और यही फ्रिक्शन आपको इस कर्व पे, इस पाथ पे, सर्कुलर पाथ पे एम वी स्क्वायर बाई आर मतलब कि सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन प्रोवाइड करके फ्रिक्शन एक्ट एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स। तो मैंने बताया आपको समरी सेंट्रीपिटल की, कि जो भी फोर्स रेडियल इनवर्ड लग रहा होगा सेंटर की तरफ लग रहा होगा, जिसकी वजह से सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन जनरेट हो रहा होगा, दैट विल एक्ट एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। तो सेंट्रीपिटल की कहानी हम लोग यहीं पर स्टॉप करेंगे। अब इसका दूसरा जो एक समझ लीजिए कि इसका ऑपोजिट समझ लो, या एक दूसरे फॉर्म में ही फोर्स की स्टडी होती है, दैट इज योर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हम लोग इसलिए स्टडी करेंगे क्योंकि इससे प्रॉब्लम सॉल्विंग रिलेटिवली ईजी हो जाती है सेंट्रीपिटल की अपेक्षा। दोनों में से एक ही लगता है, अभी हम समझाते हैं कैसे। पहले डेफिनेशन देख लेते हैं इसकी। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज एन आउटवर्ड सूडो फोर्स, ये एक सूडो फोर्स है, ठीक है। आउटवर्ड सूडो फोर्स दैट इज एक्सपीरियंस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ रोटेशन। तो सपोज करिए इस सर्कुलर पाथ के, ये ग्रीन वाली बॉल एक चक्कर काट रही है, तो कह रहे हैं कि इस ग्रीन वाली बॉल पे रेडियली आउटवर्ड एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा होगा, ठीक है। द कॉन्सेप्ट ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एग्जिस्ट व्हेन ऑब्जर्वर इटसेल्फ इज इन रोटेटिंग फ्रेम। अभी हम लोग सेंट्रीपिटल में बोले थे कि ऑब्जर्वर ग्राउंड फ्रेम पे है, अब सपोज करिए ऑब्जर्वर आपका इसी बॉल के ही फ्रेम में आ गया, ठीक है। ऑब्जर्वर आपका बॉल के, मतलब वो भी साथ साथ घूम रहा है, तो क्या उसको बॉल घूमती हुई दिखेगी कि रेस्ट पे दिखेगी? तो ऑब्जर्वर के लिए बॉल विल बी एट रेस्ट, ठीक है। फॉर ऑब्जर्वर बॉल विल बी एट रेस्ट, ठीक है। तो इस पे एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा बाहर की तरफ। अब सेंट्रीपिटल फोर्स का कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा क्योंकि उसके रिस्पेक्ट में तो रेस्ट पे थी बॉल, ठीक है, तो सेंट्रीपिटल हो गई नहीं। अब जहां पे भी आप ऑब्जर्वर रोटेट कर रहा होगा तो वहां सेंट्रीपिटल भूल जाइए, अब आप सेंट्रीपिटल भूल जाओ, आगे के प्रॉब्लम्स के लिए हम लोग सेंट्रीफ्यूगल ही यूज करेंगे, ठीक है। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इस पे उतना ही उसका मैग्नीट्यूड होता है एम बी स्क्वायर बाई आर, एवरीथिंग इज सेम, बस ये रेडियली आउटवर्ड लगता है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि पहली बात तो ये एक सूडो फोर्स है, दूसरा ऑब्वियसली एक नॉन इनर्शियल फ्रेम में वैलिड होगा, और या एक्सीलरेटिंग या रोटेटिंग फ्रेम, मतलब आप इस रोटेटिंग फ्रेम में ही बैठ गए और तब आप बॉल को ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो इस बॉल पे आप एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगाओगे बाहर की तरफ, ठीक है। इस एग्जांपल में देखिए, ये एक डिस्क है, डिस्क पे एक बॉल रखी हुई है पी से, तो एक ऑब्जर्वर बी है जो पी को ऑब्जर्व कर रहा है मोशन, तो ऑब्जर्वर बी के लिए पी विल परफॉर्म सर्कुलर मोशन, तो ये क्या लगाएगा, सेंट्रीपिटल फोर्स लगाएगा, ठीक है। और ऑब्जर्वर ए के लिए पी रेस्ट पे होगा, पी विल बी एट रेस्ट, तो ये क्या लगाएगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगाएगा, ठीक है।
कॉन्सेप्ट सेम है, अभी आप देखोगे, बस इससे हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग सेंट्रीफ्यूगल से आसान हो जाती है रिलेटिवली। तो हम लोग जब भी किसी प्रॉब्लम को ऑब्जर्व करेंगे रोटेटिंग, तो हम लोग उसी के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में चले जाएंगे और एक रेडियली आउटवर्ड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगा देंगे, ठीक है। बट आप लोगों ने देखा होगा कि जब आप कार में किसी बैठते हो, कार अचानक टर्न लेती, तो आप बाहर की तरफ आपको फोर्स लगता है, तो दैट इज बिकॉज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है। तो इसका जो इफेक्ट है, द इफेक्ट ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज रियल, इसके इफेक्ट आप लोग रियल ही देखोगे। जो कार में आप बाहर की तरफ आपको अचानक से फोर्स पुल होता है, दैट इज योर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है। या कोई आप रोटेटिंग डिस्क टाइप का घर में अरेंज कर लो, उस पर कोई ऑब्जेक्ट रखो, तो देखोगे वो बाहर की तरफ चला जाएगा थोड़ी देर बाद, ठीक है। ऑल दैट इज बिकॉज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। इसीलिए हम लोग सारी प्रॉब्लम सॉल्विंग सेंट्रीफ्यूगल के रिस्पेक्ट में करेंगे, ठीक है। अब दो केसेस हैं अपने, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। पिछले लेक्चर में जैसा हमने पढ़ा, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में अल्फा की वैल्यू हो जाएगी 0, तो आप एक रेडियली आउटवर्ड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगा दोगे mv2/r। तो सपोज करिए ये जैसा एक बॉल है, एक स्ट्रिंग से अटैच्ड है और इसको घुमा के छोड़ दिया गया, ठीक है। किसी मोमेंट पे इसकी वेलोसिटी वी है, ठीक। अब इस पे हम इसी के डिस्क पे बैठ जाएंगे ऑब्जर्वर, तो ये इसको रेस्ट पे दिखेगा, ठीक है। अब ये इसको रेस्ट पे देखेगा, रेस्ट पे देखेगा तो टेंशन अंदर की तरफ टी लगेगा और एक सेंट्रीफ्यूगल बाहर की तरफ mv2/r लग रहा होगा। तो क्या ये ऑब्जर्व करेगा कि टी इज इक्वल टू mv2/r, ठीक है, और बोल देगा कि बॉल पे फोर्स बैलेंस हो गया। यही करना है आपको, ठीक है। आप इसी के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में चले जाओ और जो इसका एक अंदर की तरफ फोर्स लग रहा होगा उसको आप सेंट्रीफ्यूगल से बैलेंस कर दोगे, ठीक है। अच्छा, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या होगा? नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में याद करिए, एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी आता था, राइट। एक रेडियल एक्सेलरेशन भी होता है, एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी होता है। तो mv2/r तो रेडियल कंपोनेंट ऑफ सूडो फोर्स बोला जाता है, जो अब तक हम लोग पढ़ रहे थे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जिसको हम लोग सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोल रहे थे, वो एक स्पेशल नेम हो गया। एक्चुअली में वो है क्या, सूडो फोर्स है जो कि रेडियली लग रहा है। तो mv2/r इज द रेडियल कॉम्पोनेंट ऑफ सूडो फोर्स, ठीक है। क्योंकि ये सेंटर से रेडियली लगता है बाहर की तरफ, है ये सूडो फोर्स, तो इसको एक स्पेशल नाम दिया गया, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। मगर जब नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा तो एक टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ सूडो फोर्स भी आएगा, क्योंकि एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है, ठीक है। तो टेंजेंशियल कंपोनेंट क्या होगा, ma times t, ठीक है, mat, at इज द टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो mat आपका सूडो फोर्स का कंपोनेंट हो जाएगा टेंजेंशियली, और mv2/r हो जाएगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। दिस इज योर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जिसको आप बोल सकते हैं रेडियल कंपोनेंट ऑफ सूडो फोर्स, और mat हो जाएगा आपका टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ सूडो फोर्स, टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ सूडो फोर्स, ठीक है। तो ऑब्वियसली टोटल सूडो फोर्स जो होगा वो इनका रिजल्टेंट होगा, ठीक है। टोटल सूडो फोर्स आपका रिजल्टेंट ले लीजिए, mv2/r² प्लस mat का स्क्वायर, दोनों 90 डिग्री पे हैं, तो आप इनका रिजल्टेंट निकाल सकते हो कुछ इस तरह से, fp आ जाएगा, इसको मैं fp बोल देता हूँ, ठीक है। तो fp आपका रिजल्टेंट आ जाएगा mv2/r और mat का, ठीक है। तो क्या समरी निकलती है, जब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो रहा होगा तो आपका at जीरो होता है, तो mat जीरो होगा, तो सिर्फ एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा होगा mv2/r। जब नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा तो सेंट्रीफ्यूगल तो लग ही रहा होगा, एक टेंजेंशियल सूडो फोर्स भी लगेगा, दैट इज mat, ठीक है। तो यहां पर mat जीरो है, ठीक है। अब एक पेंडुलम का केस लेते हैं और इससे समझते हैं चीज़ों को। पेंडुलम बेसिकली क्या करते हैं, एक मासलेस स्ट्रिंग से एक बॉल अटैच करके रिलीज कर देते हैं। तो आपने देखा होगा घड़ी का पेंडुलम ऐसे मोशन करता रहता है, कुछ यूं ही ऐसा ही। तो ये स्ट्रिंग है एक, ठीक है, जिसकी लेंथ आर है,
और उसको किसी एक पॉइंट पे ले जाके ऐसे रिलीज कर दिया गया। ठीक, तो ये अरेंजमेंट हो जाता है पेंडुलम। तो कह रहे हैं कि पेंडुलम इज रिलीज फ्रॉम एक्सट्रीम पोजीशन। तो एक तो बाय डेफिनेशन आप ग्राउंड से ऑब्जर्व करिए इसको, तो कहेंगे आप सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन वी स्क्वायर बाय आर होगा और एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ए टी होगा, दैट शुड बी योर आर अल्फा। ठीक है, तो ये तो बड़ी सिंपल सी बातें हैं, पर अब थोड़ा सा एनालाइज करते हैं। सबसे पहले तो ये चीज़ एक मैंने लिखी है, एक स्पेशल पॉइंट इसमें, कि अगर इसी जैसे ही रिलीज किया इसे वैसे ही स्ट्रिंग अगर काट दें, ठीक है, तो तुरंत काटते इसका टेंशन जीरो हो जाएगा और फिर इस पर सिर्फ एक एम जी फोर्स लग रहा होगा तो ये नीचे की तरफ गिरेगा। इफ़ द स्ट्रिंग एट कट इट्स एक्सट्रीम पोजिशन, क्योंकि इसको जस्ट रिलीज कर रहे हैं तो इस समय इसकी कोई वेलोसिटी भी नहीं है, तो वेलोसिटी जीरो होगी, काटते ही टेंशन जीरो हो जाएगा, तो क्या होगा, इस पर एकमात्र फोर्स लगेगा एम जी, तो ये कितने एक्सीलरेशन से गिरेगा, जी से। ठीक है, ये आपका मैं थोड़ा सा न्यूटन्स लॉ वाले से एक पॉइंट ऐसे ही ले लिया, पर अब इस मोशन को एनालाइज करते हैं। ठीक है, हम लोग सेंट्रीफ्यूगल वाला लेके चलेंगे, बॉल के फ्रेम में ही बैठ जाएंगे। अगर आपसे ग्राउंड फ्रेम में पूछेगा कौन सा एक्सेलरेशन इस पे होगा, तो आप ऑब्वियसली बोलोगे एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, पर हम लोग इससे नहीं पढ़ेंगे, हम लोग अपने ऑब्जर्वर को इसी बॉल के फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे बैठा देंगे। ठीक है, और फिर एफबीडी बनाएंगे। तो एफबीडी कुछ यूं बनेगी, देखिए मैंने लिखा ऑब्जर्वर इज सिटिंग ऑन पेंडुलम फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आपका एम वी स्क्वायर बाई आर के बराबर होगा किसी मोमेंट पे, जिस मोमेंट पे भी नापेंगे, जब इसको रिलीज कर रहे होंगे तो उसी मोमेंट पे भी हम लोग एफबीडी बना रहे हैं। तो नीचे मैंने दिखाया है एम जी, अब एम जी को मैंने कॉम्पोनेंट कर लिया है अलॉन्ग द स्ट्रिंग एम जी कॉस थीटा परपेंडिकुलर टू स्ट्रिंग एम जी साइन थीटा, टेंशन हो गया अलॉन्ग द स्ट्रिंग और एम वी स्क्वायर बाई आर बाहर की तरफ। ठीक है, ये आपका सेंट्रीफ्यूगल हो गया क्योंकि ये रेडियली आउटवर्ड लगता है। अब ब्लॉक तो रेस्ट पे होगा क्योंकि आप उसी के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में ऑब्जर्व कर रहे हो, तो इक्वेशंस आप बड़े प्यार से लिख सकते हो। रेडियल डायरेक्शन में क्या लिखोगे, एम जी कॉस थीटा प्लस एम वी स्क्वायर बाई आर इज इक्वल टू टी। ठीक है, और इक्वेशन अलॉन्ग टेंजेंशियल डायरेक्शन क्या लिखोगे, एम जी साइन थीटा। अच्छा, इस अब आपको एक आपने लगाया एम वी स्क्वायर बाई आर का सूडो फोर्स सेंट्रीफ्यूगल वाला, और एम ए टी कैसे लगेगा, एम ए टी कुछ यूं लग रहा होगा। ठीक है, एम ए टी भी लगाना पड़ेगा आपको इसमें, मैं थोड़ा सा इधर ड्रॉ कर देता हूं इसे। एम वी स्क्वायर बाई आर कुछ ऐसे लगेगा, तो जब भी नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा तो आपको दोनों चीज़ें लगानी होगी, आपको सेंट्रीफ्यूगल भी लगाना होगा और आपको एम ए टी यानी कि टेंजेंशियल सूडो फोर्स भी लगाना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, तो ये आपका एम ए टी हो जाएगा और ये आपका एम जी साइन थीटा इधर, तो एम जी साइन थीटा की वैल्यू आपकी एम ए टी हो जाएगा। ठीक है, एम ए टी आपका है टेंजेंशियल सूडो फोर्स। ठीक है, टेंजेंशियल सूडो फोर्स। ठीक है, तो रेडियल के डायरेक्शन में ये इक्वेशन बनेगी और टेंजेंशियल डायरेक्शन में ये इक्वेशन बनेगी। अब इसमें अगर थोड़ा और जाओगे कि जब कह रहे हैं कि जब रिलीज कर रहा है बॉल को, तो जब रिलीज करेगा तो वेलोसिटी कितनी होगी, जीरो, तो आप एम वी स्क्वायर बाई आर का कॉम्पोनेंट जीरो कर सकते हो। ठीक है, तो एट पॉइंट ऑफ रिलीज या एक्सट्रीम पोजीशन पे भी इक्वल टू जीरो हो जाएगा, तो एम जी कॉस थीटा शुड बी इक्वल टू टी और एम जी साइन थीटा एम ए टी हो जाएगा, इसका मतलब ए टी की वैल्यू हो जाएगी जी साइन थीटा।
ये इसका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा उस मोमेंट पे, और टेंशन की वैल्यू कितनी होगी, एम जी कॉस थीटा। ठीक है, तो ये दो चीजें हमें मिलती हैं एट द एक्सट्रीम पोजिशन पे। फिर क्या होगा, ए टी कुछ है इसका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, तो वेलोसिटी धीरे धीरे बढ़ेगी और ये किसी बीच के पोजीशन पे आ जाएगा। ठीक है, सपोज करिए किसी 5 डिग्री पे आ गया। अब फिर इसका वापस से एफबीडी आपको अगर बनाना हो तो कैसे बनाओगे, देखो अगेन कहानी, अगर आपसे दो एक्सेलरेशन पूछते हैं तो उनकी कहानी वही है, सेंट्रीपिटल वाला वी स्क्वायर बाई आर, टेंजेंशियल वाला आर अल्फा। ठीक है, तो ये तो ठीक है, हम लोग को फोर्स की इक्वेशंस लिखनी है। तो हम लोग क्या करेंगे, ऑब्जर्वर को पेंडुलम के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में बैठा देंगे। ठीक है, और फिर इस पे फोर्सेस बनाएंगे। तो सबसे पहले तो फोर्स मेरा mg हो जाएगा, mg का कंपोनेंट mg cos phi, mg sin phi। ठीक है, ये वाला एंगल मेरा phi है, फिर एक fc लगा दिया है मैंने, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर की तरफ mv square by r, और दूसरा सूडो फोर्स किधर लगेगा, टेंजेंशियल कंपोनेंट में। ठीक है, एम ए टी, अच्छा एम ए टी ऐसे लगाते हैं कि जिधर मोशन हो रहा होगा उसके ऑपोजिट, जिधर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एक्चुअल में होगा उसके ऑपोजिट सूडो फोर्स लगेगा। ठीक है, तो एम ए टी मैंने पीछे लगा दिया। अब इस पे फोर्स बैलेंस कर लीजिए, अलॉन्ग रेडियल कर लो पहले। तो मैं लिखूंगा टी इज इक्वल टू एम जी कॉस फाई प्लस एम वी स्क्वायर बाई आर। ठीक है, R मेरा इस केस में L है क्योंकि स्ट्रिंग की लेंथ L दी हुई है, तो ये रेडियस तो सेंटर यही है, तो ये रेडियस आपका L हो जाएगा। ठीक है, टेंजेंशियल कैसे लिखोगे आप, टेंजेंशियल सिंपली लिखोगे एम ए टी सूडो फोर्स दैट शुड बी इक्वल टू एम जी साइन फाइव। इस इक्वेशन से आप ए टी निकाल सकते हो कि जी साइन फाइव। ठीक है, तो अगर ग्राउंड फ्रेम में देख रहे होते तो इसके टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जी साइन फाई आता। ठीक है, ठीक, अब इसमें आपसे डिफरेंट डिफरेंट चीजें पूछ सकती हैं, बोलेंगे कि अब बताओ अगर ग्राउंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे बंदा बैठा है तो इसका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कितना होगा, तो दैट यू कैन कैलकुलेट वी स्क्वायर बाई आर। ठीक है, आपको कुछ टेंशन वगैरह दे देगा प्रॉब्लम में, एंड देन आपसे वी स्क्वायर बाई आर कैलकुलेट करा सकता है। ठीक है, सिमिलरली बोल सकते हैं कि ग्राउंड फ्रेम में बंदा बैठा है तो उसका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होगा, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन सिंपली जी साइन फाइव होगा। तो आपसे टोटल एक्सेलरेशन भी पूछा जा सकता है, तो टोटल एक्सेलरेशन क्या होगा इन ग्राउंड फ्रेम, ए इज इक्वल टू अंडर रूट ए सी स्क्वायर प्लस ए टी का स्क्वायर। ये सब आप ऑलरेडी आसानी से निकाल सकते हो। ठीक है, और क्या पूछ सकते हैं आपसे, अल्फा की वैल्यू पूछ सकते हैं। तो अगर आप ए टी निकाल लो, ठीक है, ए टी इज इक्वल टू जी साइन फाई, तो ए टी की वैल्यू होगी अल्फा आर इज इक्वल टू जी साइन फाई। अब आप वैल्यू पुट कर सकते हो, अल्फा की वैल्यू हो जाएगी जी साइन फाई अपॉन आर, ये कितनी हो जाएगी जी साइन फाई अपॉन एल। ठीक है, तो आपसे कुछ भी क्वेश्चंस में धीरे धीरे पूछ सकते हैं। तो आपको बस बेसिकली दो इक्वेशंस लिखनी आनी चाहिए, एक रेडियल डायरेक्शन में और दूसरा टेंजेंशियल डायरेक्शन में। आपको सूडो फोर्स लगा देने हैं दोनों, रेडियल वाला भी और टेंजेंशियल वाला भी, और सिंपली उसको बॉडी को रेस्ट में मान के फोर्स की इक्वेशंस लिख दीजिए, दो लाइन में प्रॉब्लम आपकी सॉल्व होगी सारी। ठीक है, इसी पे एक बेस्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो एक स्ट्रिंग है, या इसको रॉड भी मान सकते हैं आप, ठीक है, इसमें तीन मासेस अटैच्ड हैं m1 m2 m3। इस स्ट्रिंग का लेंथ l1 है, इस स्ट्रिंग का लेंथ l2 और इसका L3, और सारों लेंथ बराबर दिए हुए हैं, तो सबको मैंने L दिखा दिया है। मासेज इनके M1, M2, M3 हैं। तो कह रहा है कि जो इसमें टेंशन है T1 पहले वाले स्ट्रिंग में, दूसरे वाले में T2 और तीसरे वाले में T3,
उसकी वैल्यू फाइंड करनी है, और ये पूरा सिस्टम ओमेगा से घूम रहा है, ठीक है। तो देखो इस टाइप के प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आपको M1 वाला ले लेना है, ठीक है, या सबसे पहले आप M3 को लीजिए, ठीक है, क्योंकि M3 अकेले है। अब देखो M3 के ही फ्रेम ऑफ रेफरेंस में बैठ जाओ, ठीक है, इसी पे मैंने ऑब्जर्वर बैठा दिया। प्लेस दी ऑब्जर्वर एट M3, उसी पे बैठा दो। तो फोर्सेस क्या बनेंगे, एक तो मेरा T3 लग रहा होगा इधर, अब ये मुझे रेस्ट पे दिखेगा, तो पहले तो मैं कहूँगा एक T3 लग रहा है और एक सेंट्रीफ्यूगल लगेगा। व्हाट इज दिस, M3 ओमेगा स्क्वायर, और रेडियस कितना होगा इस सेंटर से, L प्लस L प्लस L, 3L, ठीक है। तो ऑब्जर्वर क्या बोलेगा कि T3 इज इक्वल टू 3 M3 ओमेगा स्क्वायर L, ठीक है, ये मेरा पहला इक्वेशन बन जाएगा। इसके बाद मैं M2 वाला लूंगा, ठीक है, फिर मैं कहूंगा कि प्लेस दी ऑब्जर्वर एट M2, ठीक है। अब मैं कहूंगा कि इस पे इधर की तरफ तो T2 लग रहा है, इधर की तरफ T3 लग रहा है, और इधर की तरफ एक सेंट्रीफ्यूगल भी लग रहा है M2 ओमेगा स्क्वायर। अब डिस्टेंस देखिए, दिस इज L एंड दिस इज L, 2L हो जाएगा, ठीक है। टेंशन आप ऑब्वियसली जानते हो कैसे लगता है, हमेशा अपनी तरफ खींचता है, तो M2 पे T2 इधर लगेगा और T3 इधर की तरफ लगेगा। तो ये ऑब्जर्वर क्या बोलेगा कि T2 इज इक्वल टू T3 प्लस M2 ओमेगा स्क्वायर 2L। तो ये रिपोर्ट करेगा T2 की वैल्यू, T3 की वैल्यू हम लिख देंगे 3M3 ओमेगा स्क्वायर L प्लस 2M2 ओमेगा स्क्वायर L, ठीक है, ये हो जाएगी T2 की वैल्यू। फिर फाइनली आप लोग सिमिलरली फर्स्ट वाले का भी बना सकते हैं। फर्स्ट वाले का सिमिलरली आप बनाओगे तो क्या बनेगा, इधर बनेगा T1, इधर बनेगा T2, और इधर बनेगा M1 ओमेगा स्क्वायर L। अब डिस्टेंस L हो जाएगी, तो सिंपली T1 की वैल्यू हो जाएगी T2 प्लस M1 ओमेगा स्क्वायर L। तो T1 की वैल्यू अगर आप लिखें तो क्या होगी, M1 ओमेगा स्क्वायर L प्लस 2M2 ओमेगा स्क्वायर L प्लस 3M3 ओमेगा स्क्वायर L, ठीक है। तो ये हो जाएगी T1 की वैल्यू, और यही आपको निकालना था क्वेश्चंस में। अगर आपकी M की वैल्यू इक्वल है तो सिंपली आप M कॉमन लेके ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो बेसिकली क्या है इसमें खेल, कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगा के, अब इसमें रेडी आपका अगर सेंट्रीपिटल पूछ रहा होता तो आपको इसी टेंशंस की वैल्यू निकालनी होती, ठीक है। तो ध्यान देना आपको क्वेश्चन में पूछ क्या रहे हैं, ठीक है। तो इसमें आपका देखो सेंट्रीफ्यूगल से कितने आसानी से सॉल्व हो जाता है, सिंपली आप फोर्स बैलेंस कर दो उसको रेस्ट पे मान के, जो आप आराम से टेंशन की वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक है। तो दैट इज हाउ यू अप्रोच अ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स प्रॉब्लम, और इससे हम लोग देखेंगे कि सारी प्रॉब्लम बहुत आसानी से सॉल्व होती है। अभी तक हम लोग जो बोले थे वो सिंपल पेंडुलम का केस था, इसी का एक वर्जन होता है कोनिकल पेंडुलम। कोनिकल पेंडुलम क्या होता है, जब ये एक स्ट्रिंग अटैच है ऐसे, तो अब यू मोशन ना करके अभी अपने एक्सिस के अबाउट ऐसे घूम रहा होता है उसी प्लेन में, मतलब ये ऐसे रोटेट कर रहा है, ठीक है। तो अब इसका सेंटर ये ना होके इसका सेंटर ये हो जाएगा, ठीक है, ये सेंटर हो जाएगा, और इसका रेडियस ये स्ट्रिंग की लेंथ ना होके अब ये आर हो जाएगा, आर विल बी एल साइन थीटा, ठीक है। तो इसकी इक्वेशंस आप लिख सकते हैं, देखो इस पे एक नीचे mg लग रहा है और इस पे टेंशन T लग रहा है। अगेन हम ऑब्जर्वर क्या इसी पे बैठा देंगे, सेंट्रीफ्यूगल वाला कॉन्सेप्ट लेंगे, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हो जाएगा mv स्क्वायर बाई आर या m ओमेगा स्क्वायर आर,
अगर हम लोग इसको ऐसे घूमता हुआ मान रहे हैं तो किसी भी मोमेंट पे इसकी वेलोसिटी वेक्टर ये बाहर की तरफ होगी, इस मोमेंट पे, इस वाले पॉइंट पे अंदर की तरफ होगी v, ठीक है, प्लेन के परपेंडिकुलर। तो देखो अब इसकी मैंने अब bd बनाई है अलग से, mg नीचे लग रहा है, टेंशन आपका स्ट्रिंग के अलोंग लग रहा है, और एम वी स्क्वायर बाई आर सेंट्रीफ्यूगल बाहर लगा दिया मैंने, ठीक है। तो क्या करें, टेंशन को आप लोग बांट दो, ये एंगल थीटा था तो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा, तो दिस बिकम्स योर टी कॉस थीटा एंड दिस इज योर टी साइन थीटा। अब बड़े आसानी से आप इसकी इक्वेशंस लिख सकते हैं, क्या बनेंगी, टी कॉस थीटा शुड बी इक्वल टू एम जी और टी साइन थीटा शुड बी इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर, ठीक है। तो सिंपली मैं टेन थीटा निकाल लूंगा वी स्क्वायर अपॉन आर जी, या अगर मैं आर के फॉर्म में नहीं लिखना चाहता हूं तो मैं क्या करूंगा, टेन थीटा या साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा को मैं लिखूंगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा शुड बी इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर की वैल्यू कितनी थी एल साइन थीटा, ठीक है। तो यहां से मेरा आ जाएगा v स्क्वायर अपॉन एल जी इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। तो ये भी आप लिख सकते हैं, इसको फर्दर भी आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा आपका सेक थीटा माइनस कॉस थीटा। तो इसका कोई अंत नहीं है, आप किसी भी फॉर्म में, जिस फॉर्म में क्वेश्चन में पूछ रहा है उस फॉर्म में आप इसको निकाल सकते हैं, ठीक है। बेसिक आपको समझाने का ये था कि कोनिकल पेंडुलम कैसे मूव कर रहा होता है, ये सिंपल पेंडुलम की तरह वर्टिकल प्लेन में नहीं मूव करता, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में रोटेट कर रहा होता है। तो इसका सेंटर अब ये ना हो के ये हो जाएगा, और इसका रेडियस जो है स्ट्रिंग की लेंथ ना होके ये छोटा वाला पार्ट आर हो जाएगा, जिसकी वैल्यू एल साइन थीटा होगी, ठीक है। और इसकी सिंपली आप एफबीडी बना सकते हो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगा के। तो आई होप आपका लेक्चर, आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा कैसे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगानी है, आप देख रहे हो इसकी हेल्प से बहुत ईजिली प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है, ठीक है। तो अब आगे के लेक्चर में हम लोग थोड़ा इंटरेस्टिंग चीजें डिस्कस करेंगे जिसमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का बहुत सारा एप्लीकेशन आएगा। चलो फिर, बाय बाय।